मैं निकल पड़ा हूँ हज़ारीबाग से कोलकाता के सफ़र को। अमूमन सारी बसें जो हज़ारीबाग से कोलकाता के लिए खुलती हैं वो करीब 9 बजे रात में खुलती हैं। आज हमने टिकट लिया है पब्लिक बस का, लगता है इस बस का इनॉग्रेशन आज ही हुआ है। चलो इसका इंटीरियर देखते हैं। लाइट काफ़ी मनोरंजक है, काफ़ी आकर्षित कर रहा है, और ये जो सीट देख रहे हैं हम काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। ये स्लीपर 2x1 है एंड सीटिंग अरेंजमेंट भी इसका 2x1 का ही है। अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है, सीट भी पुश बैक है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल दिखा दे रहा है। ये मेरा स्लीपर सीट है और ये आपका डबल स्लीपर, देखने में दोनों ही कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। अंदर का लाइटिंग भी काफ़ी खूबसूरत है और ये देखिए हम इसमें एक तकिया और एक ब्लैंकेट भी दिया गया है। अब यहाँ ये मेरा सिंगल स्लीपर है, यहाँ पे हमें एक दूसरे फैसिलिटीज़ भी मिल जाते हैं, लाइक एक USB केबल को कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्विच है जो कि हमारा रीडिंग लाइट, जो पर्सनल आपका रीडिंग लाइट दिया है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बस का आउटर व्यू है, तकरीबन 9:15 बजे का वक्त हो रहा है और हमारी बस ऑन टाइम है और यहाँ से ये बस खुल चुकी है और अब हम हज़ारीबाग बस स्टैंड से निकल चुके हैं। ये हमें लगभग कोलकाता पहुँचाएगी 6:00 बजे के आसपास। तैयारी पे हूँ। सोने से पहले मैं आपको कुछ बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा है। ये अभी हम लोग हज़ारीबाग से निकल रहे हैं, मेन रोड को पकड़ेंगे, वहाँ से बेसिकली हम लोग बगोदर से होते हुए धनबाद आसनसोल देन हम लोग कोलकाता को जाएंगे। अमूमन जितनी भी बसें होती है जो हज़ारीबाग से खुलती है वो रात के 9 बजे के आसपास है। बहुत सारे बसेस हैं लाइक हेमकुंड आनंद बस और पम्मी बस। इन सारे बसेस का टिकट खरीदने का जो फैसिलिटी है दोनों तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों अवेलेबल है, जो आपको कंफर्टेबल फील होता है उस पर आप खरीद सकते हैं। रात को 1:15 बजे के आसपास हमारी बस गोविंदपुर धनबाद में रुकी है रिफ्रेशमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ लोग जो कुछ खाना चाहते हैं वो यहाँ के बगल वाले ढाबे से कुछ खा सकते हैं और जो को वॉशरूम जाकर फ्रेश होना चाहते हैं वो भी जाकर यहाँ फ्रेश हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर में बस खुल जाएगी, आ सकते हैं। सुबह के 6 बजे और अभी तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं, काफ़ी कोहरा छाया हुआ है बाहर में। शायद इस कोहरे की वजह से हम लोग अभी टाइम पर नहीं पहुँचे। सुबह के 6 बज गए हैं लेकिन अभी भी हम लोग बाबूघाट को नहीं पहुंच चुके हैं। बस काफ़ी रात में लगता है स्लो चली है क्योंकि बाहर में बहुत ही ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। अभी देखने से ही बाहर हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। मैंने गूगल मैप पे चेक किया कि हम लोग अभी बाबूघाट से कितना दूर है, तो अप्रॉक्स अभी हम लोग 30 किलोमीटर दूर है बाबूघाट से और लगता है कि 1 से 1.5 घंटे और लगने वाले हैं हमें पहुँचने के लिए। करीब 8 बजे सुबह हम लोग पहुँचे, लगभग 2 घंटे लेट थी बस और ये हम लोग पहुँच चुके हैं बाबूघाट पे। काफ़ी रश रहता है यहाँ इवनिंग में, मॉर्निंग में थोड़ा सा लाइट बीट रहता है और यहाँ से जो कनेक्टिविटी है उड़ीसा के लिए आपको बसेस मिलेंगे, बिहार के लिए बसेस मिलेंगे, झारखंड के लिए बसेस मिलेंगे और भी बहुत सारे लोकेशंस के लिए बसेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अभी यहाँ से नज़दीक में ही है, जो कोलकाता में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बसेस लगी हुई होती हैं। इनका किराया भी काफ़ी कम होता है, जो आपके 10 से 20 रुपए में आपको बहुत सारे लोकेशन में पहुँचाते हैं। इधर आपको हावड़ा जाना है, एस्प्लेनेड जाना है, सॉल्ट लेक जाना है, जादवपुर जाना है, मैक्सिमम फेयर आपको 20 रुपये पड़ेंगे और आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, यहाँ के बसेस थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन कैब आप जब बुक करना चाहेंगे तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, नियरली 300 to 400 आपको कैब में पड़ेगा। ओला बाइक में भी आपको अप्रॉक्स 150 to 200 रुपये पड़ेंगे 5 से 7 किलोमीटर के लिए। तो प्रिपेयर कीजिए बस को और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब बाय।